नव निर्वाचित बीडीसी तथा जिला परिषद अध्यक्ष की मुख्यमंत्री से मुलाकातों से संगड़ा क्षेत्र की जनता को विकास की उम्मीद। मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की लंबित मांगों तथा समस्याओं को उठा चुके हैं दोनों भाजपा नेता। पंचायत समिति संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा तथा जिला परिषद सिरमौर की अध्यक्ष सीमा कन्याल द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री से की गई मुलाकातों से संगड़ा क्षेत्र की जनता को विकास की उम्मीद है। जिला परिषद अध्यक्ष एवं संगड़ा वार्ड की सदस्य सीमा कन्याल जहां गुरुवार को मुख्यमंत्री से क्षेत्रवासियों की लंबित मांगों व समस्याओं को लेकर चर्चा कर चुके हैं, वहीं बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा द्वारा दो दिन पूर्व क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर सीएम को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। गत माह संपन्न जिला परिषद अथवा पंचायत चुनाव के दौरान संगड़ा में जुडिशियल अथवा सिविल कोर्ट, 9 साल से लंबित अस्पताल भवन व बस अड्डा निर्माण, इलाके की खस्ता हाल सड़कों में सुधार तथा हरिपुरधार क्षेत्र का पर्यटन विकास आदि लंबित मांगे मुख्य मुद्दा रही है। पंचायत समिति संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा तथा जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र की लंबित मांगों व जन समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। दोनों नेताओं द्वारा क्षेत्र की खस्ता हाल सड़कों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में खाली पड़े कर्मचारियों के पदों का मुद्दा प्रमुखता के आधार पर सीएम जयराम ठाकुर के समक्ष उठाया गया है। एमवी एक्ट की अवहेलना तथा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के लिए संगड़ा पुलिस ने किए 15 चालान। चालान होने के बाद संबंधित नियमों की अनुपालना करते दिखे लोग। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान तथा एमवी एक्ट की वॉयलेशन के लिए संगड़ा पुलिस द्वारा गुरुवार को कुल 15 चालान किए गए। पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग के लिए पुलिस द्वारा पिछले 3 दिनों से लगातार चालान किए जा रहे हैं और गुरुवार को कोटपा के तहत जहां 3 चालान हुए, वहीं इससे पहले बुधवार व मंगलवार को क्रमशः 4-4 चालान किए गए। क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे एक मुख्य आरक्षी द्वारा जहां यातायात नियमों की अवहेलना के लिए 10 के चालान किए गए, वहीं डीएसपी संगड़ा द्वारा ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले 2 चालकों के चालान किए गए। गुरुवार को एमवी एक्ट की वॉयलेशन करने वाले चालकों से जहां 5,000 की जुर्माना राशि वसूली गई, वहीं सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वाले 3 लोगों से क्रमशः 100-100 रुपए की राशि वसूल की गई। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह ने एमवी एक्ट के तहत कुल 12 तथा कोटपा के तहत 3 चालान होने की पुष्टि करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार चालकों को वाहन अधिनियम तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने चालकों से ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न करने की भी अपील की। बीआरसी सभागार सगड़ाहा में एसएमसी पदाधिकारी के लिए आयोजित किया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। बीआरसी तथा खंड शिक्षा अधिकारी ने 100 के करीब स्कूल प्रबंधन समिति सदस्यों को दिया प्रशिक्षण। बीआरसी सभागार सगड़ाहा में गुरुवार को एसएमसी पदाधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शिक्षा खंड सगड़ाहा के 100 के करीब स्कूल प्रबंधन समिति पदाधिकारी मौजूद रहे तथा इस दौरान बीआरसी मायाराम शर्मा व खंड शिक्षा अधिकारी संगड़ा रविंदर चौहान द्वारा मौजूद अभिभावकों को बतौर रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग दी गई। बीआरसी मायाराम शर्मा ने बताया कि शिविर में एसएमसी पदाधिकारियों को नई शिक्षा नीति, एसएमसी की शक्तियां तथा उद्देश्य, शिक्षा का अधिकार एमडीएम तथा स्कूल परिसर में जारी भवन निर्माण संबंधी विषयों आदि पर जानकारी दी गई। शिविर में स्थानीय पंचायत प्रधान सहित दर्जन भर प्राथमिक शिक्षक भी मौजूद रहे। आज शिक्षा खंड संगड़ा में पाठशाला प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा खंड संगड़ा के लगभग 100 से ज़्यादा एसएमसी प्रधान एवं सदस्यों ने भाग लिया। पाठशाला प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को उनके उद्देश्य और उनके कार्यों के बारे में, पाठशाला की बेहतरी के लिए वो किस प्रकार से अपना सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सदस्यों को नई शिक्षा नीति 2020-21 के बारे में भी विस्तार से बताया गया तथा इसके अतिरिक्त आरटी अधिनियम 2009, मध्यान्ह भोजन में पाठशाला प्रबंधन समिति किस प्रकार से सहयोग एवं देख रेख कर सकती है एवं स्कूल की बेहतरी के लिए, स्कूल का निर्माण अच्छे ढंग से करने के लिए पाठशाला प्रबंधन समिति एवं पाठशाला के अध्यापक किस प्रकार से पाठशाला को अच्छे से अच्छे ढंग तैयार कर सकते हैं। अगर हमारी पाठशाला सही ढंग से तैयार हो जाती है तो हम लोग प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर अपनी पाठशालाओं में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रभावित और लाभान्वित कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि सरकारी पाठशालाओं में बच्चों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए।